अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर जो कि 9 है, वो हम लोगों ने आज जो है वो डिस्कस करना है। पहले हमने डिस्कस किया था मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 8, आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर नंबर 9 जो है ये भी पास्ट की मेमोरीज है मिस्टर चिप्स की, क्योंकि हमें पता है, ऑलरेडी हमें पता चल चुका है कि ये पूरा जो नावल है वो बेस्ड ही नॉस्टैल्जिया मीन्स पास्ट की मेमोरीज के ऊपर है। अब इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जो कैथरीन ब्रिजेस है उसकी डेथ हो गई है। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने देखना है कि उसकी डेथ के बाद, फिर पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा कि बिफोर मैरिज, और फिर बाद में हमने देखा आफ्टर मैरिज। अब है डेथ सीन, जो कि पिछले चैप्टर में डेथ सीन हो चुका है। तो उस डेथ सीन के बाद जो है वो मिस्टर चिप्स में कौन सी चेंजेस आई हैं, कौन सी उनमें चेंजेस आ चुकी हैं। अब चेंजेस ये हैं कि जैसे मिस्टर चिप्स जो हैं वो ऑलरेडी हमें पता है कि उन्हें ग्रीफ है, उन्हें गम है, तो गम की वजह से जो है वो एक जो पहले एक स्पिरिट थी उनमें, वो एक्चुअल में स्पिरिट उसी को मेंटेन रखना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पा रही उनसे। यही इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में जो है वो डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट वन है, कहता व्हाट वर चिप्स व्यूज अबाउट द बोर्स। अब बोर्स कौन थे? बोर्स एक्चुअल में अफ्रीकन लोग थे जिनके ऊपर मुसल्लत थे ब्रिटिश, जो बरतानिया के लोग थे वो उनके ऊपर मसलत थे। अब इन्होंने 1902 यानी कि 1902 में बोर्ड्स ने जंग लड़ी थी बरतानिया के खिलाफ ताकि वो इनसे आज़ादी हासिल कर सकें। और मिस्टर चिप्स ने इसकी एग्जांपल क्या दी थी, मिस्टर चिप्स ने कहा था कि जैसे बरतानिया के बहुत सारे ऐसे हीरो हैं जिन्होंने रोमन के खिलाफ जो है वो जंग लड़ी थी और अपने आप को आज़ाद करवाया था, तो जो बोर्ड्स हैं वो भी ऐसे ही हैं जिन्होंने बरतानिया के खिलाफ जंग लड़ी है अपने आप को बचाने के लिए। फिर नेक्स्ट है, ये तो डिड चिप्स से टू लियर्ड जॉर्ज। लियर्ड जॉर्ज जो है वो एक्चुअल में कौन था? ये वजीर आजम था, रहा है उनका। इसी ने जो है वो बहुत सारी अमेंडमेंट करके पेंशन, जो बूढ़े लोग थे उनके लिए जो है वो पेंशन भी इसने वहाँ पर इन्वेस्ट करवाई थी, उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो लियर्ड जॉर्ज था। फिर नेक्स्ट बनना है कि क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ गाउन डिड चिप्स वियर आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन। अब गाउन जो है वो पहन के जब अटेंडेंस मार करते थे या मिस्टर चिप्स जो है वो पहन कर जाते थे, तो वो गाउन इतना फटा हुआ था, तो कहते हैं कि अगर वो गाउन जो है वो उसके टुकड़े हो जाएं, वो बिखरना शुरू हो जाए, तो उसको समेटना मुश्किल है। इस किस्म का जो है वो गाउन पहनते थे उस वक्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड चिप्स टेक कॉल ओवर नियर बिग हॉल। कैसे जो है वो मिस्टर चिप्स वो अटेंडेंस कैसे मार्क करते थे? मिस्टर चिप्स एक्चुअल में एक हायर प्लेस पर खड़े होते थे, उस प्लेस पर खड़े होकर तो नीचे जो स्टूडेंट्स होते थे तो उनके आगे जो ग्लासेस हैं उनके यहाँ पर होते थे और ऐसे करके देख रहे होते थे, और इसे जब देखते थे तो बाद में जब वो कॉल ओवर कर लेते थे, अटेंडेंस मार्क कर लेते थे, तो फिर बाद में जो है वो स्टूडेंट्स उनकी मिमिक्री भी करते थे। मिमिक्री कहा जाता है नकल उतारने को, कि उनके या ग्लासेस जो है वो यहाँ पर रख कर तो वो नीचे की तरफ जैसे ऐसे देखते हैं, इस तरह देखकर जो है वो स्टूडेंट्स उनकी बाद में नकल भी उतारते थे। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है ड्रॉ स्केच ऑफ नेलर। नेलर एक्चुअल में एक स्टूडेंट था मिस्टर चिप्स का। जब मिस्टर चिप्स जो है वो 50 साल की उम्र में पहुंचे, तो उस उम्र में पहुंच के इन्होंने एक दिन क्रिकेट मैच खेला और 50 स्कोर किए, और इस नेलर स्टूडेंट जो था इसने एक्चुअल में मिस्टर चिप्स को ये कहा था कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो चाहे बूढ़े हो गए हैं लेकिन उनके 50 स्कोर जो हैं वो उनकी उम्र के लिहाज से बहुत आउट क्लास हैं। फिर बाद में ये जो है ये एक लॉयर बना, और फिर इस मिस्टर चिप्स जो है वो उसे जब याद आई इसकी, तो उसने कहा कि अब तो ये खुद भी जो है वो 50 साल की उम्र में पहुंच चुका होगा, तो इसे जो है वो बड़े भी अच्छे तरीके से ये जानता होगा कि कैसे जो है वो इस उम्र में 50 स्कोर जो है वो कितने इम्पॉर्टेंट है।